अगर समाजवादी पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें कांग्रेस पार्टी देती है, तभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में सीटें देगी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बार बार ये बात कह रही हैं कि दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगी, और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की माने तो उन्होंने 4 से 5 सीटों का दावा समाजवादी पार्टी से किया है इस उपचुनाव के लिए। पर वहीं अगर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने माने तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने लोगों के बीच में इस बात को कहा है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो यहाँ पर भी फिर कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलना मुश्किल है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा को लेकर के जो अपना खाका तैयार किया है उसमें कुल ऐसी 18 सीटें हैं जो यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। समाजवादी पार्टी उसमें से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान को भी इस बात को बता दिया है। हालांकि अभी सीटों को लेकर के फाइनल जो सहमति है वो ना ही हरियाणा अभी हरियाणा को लेकर के नहीं हो पाई है, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी भागीदारी चाहती है। सपा ये चाहती है कि महाराष्ट्र में भी होने वाले जो सामान्य चुनाव हैं उसमें सपा की हिस्सेदारी हो और इंडिया गठबंधन के तहत सपा को वहाँ भी सीटें मिलें। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, वहाँ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिन सीटों पर दावा किया है उसमें सपा के अंदर खाने इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई कि 2022 के हुए उपचुनाव में यहां अधिकतर ऐसी सीटें रही हैं जहां कांग्रेस पार्टी 10,000 के नीचे वोटों में सिमट गई है। वहीं सिर्फ गाज़ियाबाद एक ऐसी सीट रही है जहां अब कांग्रेस पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 10,000 के करीब का रहा। वहीं बाकी सीटों पर 10,000 वोटों के अंदर ही कांग्रेस पार्टी रही है। इस कारण समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि अगर उसको बाकी राज्यों में प्रतिनिधित्व मिलेगा, बाकी राज्यों में उसको सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन के तहत, तभी वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलने वाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी पार्टी बन गई हो, तीसरी सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी बन गई हो, पर राष्ट्रीय पार्टी का जो सिंबल है उस लिहाज से समाजवादी पार्टी को अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ के जो वोट प्रतिशत है वो अपना बढ़ाना है, और इस कारण समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि वो अलग अलग राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ के अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।